हेलो स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हिंदी में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पाठ 13 तिरंगा झंडा। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बोर्ड पे अंक की जो मात्रा है जिसे क्या कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है, यही अंक की मात्रा की पहचान है, जिसे क्या कहते हैं, अनुस्वार। तो बोर्ड पे मैंने बताया था कैसे इसको शब्दों को अंक की मात्रा लगा के शब्दों को कैसे जोड़ेंगे और कैसे किस तरह से पढ़ेंगे, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज ये जो कि अंक की मात्रा की यही पहचान है, तो आज हम इस पाठ को जिसमें अंक की मात्रा से ये पाठ, जैसे अंक की मात्रा की सहायता से ये पाठ जो पाठ 13 है, इसमें किस मात्रा का ज़्यादा यूज किया गया, अंक की मात्रा। तो अंक की मात्रा लगा के हम इस पाठ को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पाठ 13 क्या है, तिरंगा झंडा। देखिए त पर कौन सी मात्रा है, त पर छोटी की मात्रा है ती, र पर अंक का मात्रा जिसे अनुस्वार कहा जाता है, तो र पर अंक का मात्रा क्या हो जाएगा, रंग। ग पर आ का मात्रा गा, क्या हो गया, तिरंगा। अब यहाँ पे देखिए झ है, झ पर अंक का मात्रा यानी जिसे अनुस्वार कहा जाता है, तो झंड। ड पर आ का मात्रा डा, झंडा, यानी कि तिरंगा झंडा। ये पाठ का क्या नाम है, तिरंगा झंडा। तिरंगा क्या है, ये जो तिरंगा झंडा है हमारा राष्ट्रीय राष्ट्रध्वज है, यही तिरंगा झंडा है जो हमारा क्या है, राष्ट्रध्वज है। देखिए मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी अक्षर में जब अंक का मात्रा यानी कि अनुस्वार लगाते हैं तो क्या होता है, वो उस अक्षर में अंग जरूर आएगा, यानी कि अंग का उच्चारण जरूर आएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए प है अंग का मात्रा यानी कि अनुस्वार, तो बराबर क्या हो गया, पंग। प पर अनुस्वार लगाया गया, अंग का मात्रा लगाया तो क्या हो गया, पंग। इसी तरह से झ है, झ पर अंग का मात्रा लगाया गया है तो क्या हो गया, झण। झ पर अंग का मात्रा झण। आगे आप देखिए प पर अंग का मात्रा क्या हो गया, पंग। ख पर आ का मात्रा खा, क्या हो गया, पंखा। ये क्या है, पंखा है। देखिए ये फैन, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, फैन। ये पंखा है, इसका यूज कब किया जाता है, हवा मतलब कि गर्मी से ये क्या करता है, हमें बचाता है। पंखा जब चलता है तो गर्मी नहीं होती है, तो ये है पंखा, फैन। यहाँ पे देखिए झ पर अंग का मात्रा झन, ड पर आ का मात्रा डा, क्या हो गया, झंडा। जो मैंने आपको पहले बताया क्या है, हमारा राष्ट्रध्वज है, ये क्या है, कहाँ क्या लिखा हुआ है, झंडा। अब आगे देखिए ब, ब पर अंग का मात्रा क्या हो गया, ब पर, ब पर जब अंग का मात्रा यानी अनुस्वार लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, ब पर अंग का मात्रा बराबर क्या हो गया, बंग। इसी तरह से त पर अंग का मात्रा बराबर क्या हो गया, तंग। यहाँ देखिए ब पर अंग का मात्रा बन, द र क्या हो गया, बंदर। ये क्या है, बंदर है, मंकी मीन्स बंदर होता है ना, तो वही ये मंकी है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, बंदर। ये लोग कहाँ रहते हैं, ये लोग पेड़ों पे रहते हैं, कहाँ पर, पेड़ों पे, तो ये क्या है, बंदर है। इसी तरह से ये देखिए प, त पर अंक का मात्रा तंग, ग क्या हो गया, पतंग। ये क्या है, पतंग है, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, काइट, काइट मीन्स पतंग होता है ना, ये पतंग है। इसे क्या किया जाता है, इसे आसमान में स्काई में फ्लाई करवाया जाता है, उड़ाया जाता है, तो ये बंदर है, ये पतंग है। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे, अंक का मात्रा लगा हुआ है और कुछ दो शब्दों से बनने वाले अक्षर हैं, कुछ तीन शब्दों, सॉरी कुछ दो अक्षरों की सहायता से, कुछ तीन अक्षरों की सहायता से, यहाँ तक कि कुछ चार अक्षरों की सहायता से भी शब्द बने हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे। यहाँ से देखिए ड पर अंक का मात्रा डंग, क क्या हो गया, डंक। इसी तरह से यहाँ पे देखिए ज पर अंक का मात्रा जंग, ग क्या हो गया, जंग। आगे देखिए ह पर अंक का मात्रा हंस, क्या हो गया, हंस। इसी तरह से यहाँ पे देखिए ठ पर अंक का मात्रा ठंड, ड क्या हो गया, ठंड। इसी तरह से व पर अंक का मात्रा वन, स वंश। यहाँ पर देखिए प पर अंक का मात्रा पन, ज पर आ का मात्रा जा, क्या हो गया,
पंजा। इसी तरह से यहाँ पर ल पर अंग का मात्रा लम, ब पर आ का मात्रा बा, लंबा। यहाँ देखिए ग पर अंग का मात्रा गंग, ग पर आ का मात्रा गा, क्या हो गया गंगा। आगे देखिए यहाँ पे ड पर अंक का मात्रा डन, ड पर आ का मात्रा डा, क्या हो गया डंडा। आगे यहाँ पे अ अंक का मात्रा अंग, ध पर आ का मात्रा धा, क्या हो गया अंधा। इसी तरह से यहाँ देखिए क पर अंक का मात्रा कंग, ग न, क्या हो गया कंगन। च पर अंक का मात्रा चन, द न चंदन। ज पर अंक का मात्रा जंग, ग ल जंगल। ये क्या है, ये सब तीन अक्षरों से शब्द बने हुए हैं। यहाँ तक क्या था, दो अक्षरों से, अब यहाँ से तीन अक्षरों से शब्द बने हैं। यहाँ से आगे देखिए प ल पर अंक का मात्रा लंग, ग पलंग। इसी तरह से ब स पर अंक का मात्रा सन, त बसंत। अब यहाँ देखिए सन स पर अंक का मात्रा सन, स पर आ का मात्रा सा, र क्या हो गया संसार। इसी तरह से यहाँ देखिए स पर छोटा उ का मात्रा सु, र पर अंक का मात्रा रंग, ग सुरंग। इसी तरह से स पर छोटा उ का मात्रा सु सु, ग पर अंक का मात्रा गन, ध सुगंध। ये सब क्या है, छोटा उ का मात्रा है। आपको मालूम होगा छोटा उ का मात्रा में जो उच्चारण होता है वो जल्दी से लिया जाता है, बड़ा उ की मात्रा में उच्चारण आराम से लिया जाता है, आराम से बोला जाता है। यहाँ देखिए च पर छोटा उ का मात्रा चू, क पर अंक का मात्रा कन, द र क्या हो गया चुकंदर। इसी तरह से यहाँ देखिए द म य पर अंक का मात्रा यन, त पर बड़ी की मात्रा ती, क्या हो गया दमयंती। अब यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, हम उन वाक्यों को भी क्या करेंगे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे ह म पर आ का मात्रा मा, र पर आ का मात्रा रा, क्या हो गया हमारा। ज पर अंक का मात्रा झन, ड पर आ का मात्रा डा, क्या हो गया झंडा। त पर ये कौन सी मात्रा है, छोटी की मात्रा, त पर छोटी की मात्रा ती, र पर अंक का मात्रा रंग, ग पर आ का मात्रा गा तिरंगा, ह पर ए का मात्रा है, ये पूर्ण विराम। तो पूरा क्या हो गया, पूरा सेंटेंस क्या हो गया, पूरा वाक्य हमारा झंडा तिरंगा है, हमारा झंडा तिरंगा है, पूर्ण विराम। ये पूर्ण विराम कब लगाया जाता है, जब वाक्य समाप्त होता है तो पूर्ण विराम लगाया जाता है, मैंने पहले भी कई बार बताया है। आगे देखिए ई स म पर ए का मात्रा मे, और इसमें अनु क्या कहते हैं अनुस्वार भी है, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे इसमें, कैसे पढ़ेंगे इसमें। त पर बड़ी की मात्रा ती न, तीन। त पर बड़ी की मात्रा ती न, तीन। र पर अंक मात्रा रंग, ग रंग। ह पर ए का मात्रा है, इसमें अनुस्वार भी है तो इसको पढ़ेंगे हैं, यानी कि जब ऐसे पढ़ा जाता है थोड़ा सा नाक में भी वो ध्वनि आती है, नाक के द्वारा भी ध्वनि का उच्चारण किया जाता है। तो इसमें तीन रंग हैं, ये क्या है पूर्ण विराम। आगे यह ह, यह ब ह पर छोटा उ मात्रा हु, त बहुत। स पर छोटा उ मात्रा सु और अंग का मात्रा यानी अनुस्वार भी है तो क्या हो गया सुन, द र सुंदर सुन। देखिए स पर दो मात्राएं हैं, एक छोटा उ का मात्रा है और एक अंग का मात्रा है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे स पर छोटा उ का मात्रा सु, अंग का मात्रा अन, सुन द र, यानी कि इसमें दो मात्राएं हैं तो सुंदर। पहले स आएगा फिर उ की मात्रा आएगी फिर अंग का मात्रा, सुन द र सुंदर। ह पर ए का मात्रा है, पूर्ण विराम, यानी कि यह बहुत सुंदर है। कल कल, ब स पर अंक का मात्रा संत, बसंत। प पर अंक का मात्रा पन, च म पर बड़ी की मात्रा मी, पंचमी। ह पर ए का मात्रा है, पूर्ण विराम, मतलब कि कल बसंत पंचमी है।
आगे बसंत पंचमी क्या होता है? बसंत पंचमी एक त्योहार होता है जो पिछले महीने पड़ा था ना, अगस्त महीने में बसंत पंचमी, सॉरी यानी कि कभी जुलाई या अगस्त में बसंत पंचमी पड़ता है, तो बसंत पंचमी एक त्योहार है। आगे कप रंग का मात्रा कंग, ग नपरा का मात्रा ना कंगना, म पर अंक का मात्रा मंग, ग ल व परा का मात्रा वार, मंगलवार, क पर उ का मात्रा को, स पर अंक का मात्रा शंकर, शंकर, भ ग व परा का मात्रा वान, भगवान, क पर एक मात्रा के, म पर अंक का मात्रा मन, द पर छोटी की मात्रा दी, र मंदिर, ज पर आ का मात्रा जा, ए ग पर बड़ी की मात्रा गी, पूर्ण विराम। पूरे का क्या हो गया? मतलब कंगना मंगलवार को शंकर भगवान के मंदिर जाएगी। कंगना क्या है? एक लड़की का नाम है। तो कंगना क्या करेगी मंगलवार के दिन? शंकर क्या नाम है? एक भगवान होते हैं, जैसे मुख्य जो तीन भगवान है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान, जिनका महेश भी नाम है, तो वही शंकर भगवान है। तो क्या है? कंगना मंगलवार को शंकर भगवान के मंदिर जाएगी। आगे क्या है? म पर अंक का मात्रा मन, द पर छोटी की मात्रा दी, र मंदिर, म पर एक का मात्रा, म पर एक मात्रा में कई कई, ब पर अंक मात्रा बन, द र बंदर। देखिए और ल पर अंक मात्रा लंग, ग पर बड़ा उ का मात्रा गु, र लंगूर, ह पर एक मात्रा है, ये अनुस्वार है तो इसे हैं पढ़ेंगे। तो मंदिर में कई बंदर और लंगूर हैं। देखिए और में जो और दिया है, एक तो ये औ जो होता है ये स्वयं एक स्वर है, और क्या है? औ जो है एक स्वयं एक स्वर है, लेकिन अ में क्या होता है? अ की मात्रा जोड़ दें तो अ ऐसे हो जाएगा, यानी कि ये अ जो है अ की मात्रा तो खुद होती है, अ की मात्रा तो होती ही है, लेकिन इसके अलावा किसी भी अक्षर में जब अ की मात्रा जोड़ देते हैं तो अ का उच्चारण होता ही है, तो यही अ है। जो ओ के बाद आता है वो अ, वही वाला अ है। तो और आगे यहाँ से म पर अंक का मात्रा मन, द पर एक छोटी की मात्रा दी, र मंदिर, क पर एक मात्रा के, अ पर अंक का मात्रा अन, द र अंदर। ये तो अंग भी होता है, अंग स्वयं एक स्वर है, और अ पर अंक का मात्रा भी हम लगा देंगे तो अंदर, स पर अंक का मात्रा शंख, शंख, अ पर अ का मात्रा और यानी कि अ स्वयं एक स्वर होता है, तो और घ पर अंक का मात्रा घंट, ट पर आक मात्रा टा घंटा, ब ज त पर आक मात्रा ता बजता, ह पर एक मात्रा है कोड़ेरा। यानी कि मंदिर के अंदर शंख और घंटा बजता है, पूर्ण विराम। आगे क्या है? प पर अंक का मात्रा पंग, क ज पंकज। अब पंकज क्या है? पंकज एक लड़के का नाम है या आदमी भी हो सकता है। तो ये क्या है? पंकज जो है शब्द, ये पुरुष जात का बोध करा रहा है, बच्चे का नाम भी हो सकता है, युवा का भी नाम हो सकता है, और आदमी का भी नाम हो सकता है, यानी कि कोई भी हो सकता है। तो पंकज जो है अंग, ग पर बड़ा उ का मात्रा गुर, अंगूर, और स पर अंक मात्रा संत, र पर एक मात्रा रे संतरे, ल पर आ का मात्रा ला, य पर आ का मात्रा या लाया। मतलब कि पंकज अंगूर और संतरे लाया, पूर्ण विराम। एक बार और हम पढ़े हैं, ध्यान से देखिए और सुनिए। हमारा झंडा तिरंगा है, पूर्ण विराम। देखिए जब आपको मात्राओं की पहचान हो जाएगी तो आप मेरी तरह ही आसानी से पढ़ लेंगे। हमारा झंडा तिरंगा है, पूर्ण विराम। इसमें तीन रंग हैं, पूर्ण विराम। यह बहुत सुंदर है, पूर्ण विराम। कल बसंत पंचमी है, पूर्ण विराम। कंगना मंगलवार को शंकर भगवान के मंदिर जाएगी, पूर्ण विराम। मंदिर में कई बंदर और लंगूर हैं,
पूर्ण विराम, मंदिर के अंदर शंख और घंटा बजता है, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का मतलब क्या होता है? वाक्य जब समाप्त होता है तो पूर्ण विराम लगाया जाता है। आगे, पंकज अंगूर और संतरे लाया, पूर्ण विराम। तो स्टूडेंट, ये जो पार्ट 13 था उसमें अंक की मात्राओं का प्रयोग किया गया था। तिरंगा झंडा जो पार्ट 13 का नाम है, पार्ट 13 का क्या नाम है? तिरंगा झंडा। इसमें क्या किया गया था? अंक की मात्राओं का प्रयोग किया गया था और एक बहुत सारे वाक्य भी थे जिसको मैंने पढ़ा। तो आई होप आपको ये इस तरह से जैसे मैंने पढ़ा आप भी पढ़ लेंगे। तो ये वीडियो देखिए और फिर बुक से पढ़ने की कोशिश करेंगे अंक की मात्रा लगा के। जितना ही आप ज़्यादा वीडियो देखेंगे, जितना ही ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ही ज़्यादा बार पढ़ेंगे, आपको क्या होगा? उतना ही आसानी होगी पढ़ने में, आपको आप जल्दी से सीखेंगे। जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप जल्दी से सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।